Hi everyone, it's me Shilpi and I welcome you to my channel RAS Tayari with Shilpi. आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो बचे हुए थे प्रीवियस वीडियो से, दोज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन. अब पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम पर्सनैलिटी की ब्रीफ डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट डज इट मीन्स? पर्सनैलिटी इज अ सम ऑफ द आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन विच डिटरमाइंस हिज रोल इन सोसाइटी एंड फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. ये आइडियाज़, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ से मिलकर पर्सनैलिटी बनती है, जो कि हमारे सोसाइटी में रोल को डिटरमाइन करती है और हमारे कैरेक्टर का इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करती है. बस सीधी सिंपल सी ये डेफिनेशन है. उसके बाद में पर्सनैलिटी किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है. फोर फैक्टर्स से बनी होती है. फर्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट, सेकंड है हेरिडिटी, देन कम्स कल्चर, देन कम्स पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. इसको ब्रीफली हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड पर्सनैलिटी. सो द क्लाइमेट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ डिटरमाइन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट ऑफ पीपल. द फैक्ट रिमेन दैट द सिविलाइजेशंस हैव अपीयर्ड इन रीजन्स ऑफ वाइडली डिफरेंट क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी. अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो क्लाइमेट होता है वो किसी पर्सन के फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट को डिटरमाइन करता है बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक. जैसा कि हम टू एक्सट्रीम्स की बात करते हैं, डेजर्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को डेजर्ट की ज़ीरोफिटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं और ख़ुद को अडेप्ट करते हैं, वैसा ही पोलर रीजन्स में रहने वाले लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके खुद अडेप्ट हो जाते हैं पोलर रीजन्स के साथ में. उसके बाद में सम 2000 ईयर्स अगो एरिस्टोटल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लेम करा था कि दोज पीपल हु आर लिविंग इन नदर्न यूरोप दे वर ओइंग टू अ कोल्ड क्लाइमेट ऑब्वियसली दे वर फुल ऑफ स्पिरिट बट दे लैक्ड इन इंटेलिजेंस एंड स्किल. ऑन द अदर हैंड द नेटिव्स ऑफ एशिया आर इंटेलिजेंट एंड इन्वेंटिव बट दे लैक इन स्पिरिट एंड देयरफॉर आर स्लेव्स. ओके, देन कम्स हेरिडिटी एंड पर्सनैलिटी. सम ऑफ द सिमिलैरिटीज इन मैंस पर्सनैलिटी आर सेट टू बी ड्यू टू हिज कॉमन हेरिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि नर्वस सिस्टम इट अफेक्ट्स द इंटेलिजेंस एंड टैलेंट ऑफ द इंडिविजुअल, वेर इज हॉर्मोन्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी. ऑफ कोर्स देर आर सम ट्रेड्स विच आर सीन टू बी मोर डायरेक्टली अफेक्टेड बाई हेरिडिटी देन अदर्स. जैसा कि हेरिडिटी अलोन किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेड को डिटरमाइन नहीं करता है, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो हमारे में इनबिल्ट होते हैं, जैसा कि मैनुअल स्किल्स है, इंटेलिजेंस है, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशंस है, वो किसी फैमिली लाइन्स में स्ट्रॉन्गर होते हैं तो किसी फैमिली लाइन्स में वीकर होते हैं. बट दूसरे ट्रेड्स जैसा कि किसी का कोई बिलीफ है, लॉयल्टीज़ है, मैनर्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से अचीव कर सकते हैं. ये ऐसा कोई हेरिडिटी का इनमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. देन कम्स कल्चर एंड पर्सनैलिटी. स्पायरो एक साइकोलॉजिस्ट थे. ही हैज़ ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एक्विजिशन ऑफ कल्चर्स आर नॉट डिफरेंट प्रोसेसेस बट वन एंड द सेम लर्निंग प्रोसेस. उन्होंने ये कहा कि जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है और कल्चर का एक्विजिशन है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है. सो पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर वाइल कल्चर इज़ अ कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ईच कल्चर प्रोड्यूसेस इट्स स्पेशल टाइप और टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. देन पर्सनैलिटी एंड पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस. पहला, those that stem from continuous association with one's group, or second hai those that arise suddenly and are not likely to reoccur. Then personal group influences are relatively greater in early childhood. Jaisa ki childhood mein a child is intimately related to his parents. Whether a person becomes a leader, कोई leader बनता है, somebody is a coward, या कोई ऐसा feel अपने आप को inferior या superior feel करता है, वो सब किस पर depend करता है कि उसकी दूसरों के साथ कैसी interaction है. In a nutshell, I'll tell that group interaction molds his personality. अब है पर्सनैलिटी असेसमेंट. साइकोलॉजिस्ट सीक टू मेजर पर्सनैलिटी थ्रू अ नंबर ऑफ मैथड्स, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड
प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि जो भी टेस्ट दे रहा है उसके खुद के ओन बिलीफ पर पूरा टेस्ट डिपेंड होता है। इट मेजर्स इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ वे दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जामिनर्स ओन बिलीव्स। दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेटर्स बायस। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। The self-report measures, they rely on information that is provided by participants about themselves through question and answer format. Question answer format के रूप में ही ये self-report test कंडक्ट किए जाते हैं। अब सेकेंड है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव मेजर्स अनलाइक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर सेंसिटिव टू द एग्जामिनर्स बिलीफ। दे आर बेस्ड ऑन फ्रीडियंस थियरी, जो कि थी साइको एनालिटिकल थियरी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। एंड दे सीक टू एक्सपोज पीपल्स अनकॉन्शियस परसेप्शंस बाय यूजिंग एम्बिगस स्टिमुलाई टू रिवील द इनर एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। उसका एक एडवांटेज है कि पर्सनैलिटी के बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअल को खुद को नहीं पता होते, वो निकल कर बाहर आते हैं उसमें। और इसका क्रिटिसाइज भी इसको किया गया है, प्रोजेक्टिव टेस्ट को, फॉर इट्स पुअर रिलायबिलिटी, दे लैक साइंटिफिक एविडेंस। अब मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, जिसमें खुद की सेल्फ की ही रिपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे मियर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कार्ल्स जंग थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिन्होंने एक्सट्रोवर्शन और इंट्रोवर्शन के बारे में कंपेयर करके बताया था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। इट इज़ यूज विद नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन, और इसको क्रिटिसाइज्ड भी किया गया है फॉर इट्स लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी एंड लो रिलायबिलिटी। इट मेजर्स इंडिविजुअल्स अक्रॉस फोर बाइपोलर इंडिकेटर्स, जिसमें फर्स्ट है एक्सट्रोवर्शन इंट्रोवर्शन। ये किसको मेजर करता है, वेदर समवन इज़ आउटवर्ड टर्निंग और इनवर्ड टर्निंग। सेकेंड है सेंसिंग इंट्यूशन, वेदर समवन अंडरस्टैंड्स इंटरप्रेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फाइव सेंसेस। देन थर्ड है द जजिंग फंक्शन थिंकिंग फीलिंग। इट मेजर्स वेदर समवन टेंड्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन रेशनल थॉट और एम्पैथेटिक फीलिंग। फिर फोर्थ है लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस, इसमें है जजिंग परसीविंग। ये मेजर करता है वेदर अ पर्सन रिलेट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड प्राइमरीली यूजिंग देयर जजिंग फंक्शन और देयर परसीविंग सेंसिंग। देन नेक्स्ट इज मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, इसमें क्लिनिकल प्रोफाइल बनाते हैं इंडिविजुअल की। इसको यूज़ किया जाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करने के लिए। इसमें ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1943 में, जिसमें 504 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे। और इसका एक अपडेटेड वर्शन 1989 में रिलीज़ हुआ था, जिसको मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री 2 कहा जाता है। देन कम्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ये किस पे बेस्ड है, रेमंड कैटल्स के 16 रूट फैक्टर ऑफ बिहेवियर, जो हमने बाइपोलर 16 फैक्टर्स डिस्कस करे थे लास्ट वीडियो में, उस पर ये टेस्ट बेस्ड होता है। ये किसके लिए काम में आता है, इट इज़ यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू डायग्नोस साइकेट्रिक डिजीज विद द हेल्प विद प्रोग्नोसिस एंड थेरेपी प्लानिंग। देन कम्स आइसेंग्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई था आइसेंग्स की थियरी, जिसमें वो डायमेंशंस लेते हैं, जैसा कि एक्सट्रोवर्शन वर्सेस इंट्रोवर्शन, देन न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, देन साइकोटिसिज्म। तो ये वाली क्वेश्चन आया। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में फर्स्ट है रॉसकॉक टेस्ट। इट वॉज क्रिएटेड बाय हर्मन रॉसकॉक, जिसमें कि 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं। इंक ब्लॉट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है कि एक पेपर पर इंक को धीरे धीरे फ्लो करने देते हैं, उसके बाद में उस पेपर को फोल्ड करके एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनाया जाता है। उस सिमेट्रिकल डिज़ाइन को जो भी टेस्ट कर रहा है, जो भी टेस्ट दे रहा है कोई पार्टिसिपेंट है, उनको वो इंक ब्लॉट्स दिखाए जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में। देन सेकंड इज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इट वाज क्रिएटेड बाय हेनरी म्यूरे एंड क्रिस्टियाना मॉगन। इसमें क्या होता है कि अ पर्सन हु इज़ टेकिंग अ TAT टेस्ट, इट इज़ शोन 8 to 12 एम्बिगियस पिक्चर्स एंड देन इज़ आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी अबाउट ईच पिक्चर।
इसमें क्या होता है कि एक 8 to 10 कोई क्लियर पिक्चर्स नहीं होती है, वो उन लोगों को दिखाई जाती है, और हर एक पिक्चर को दिखाने के बाद उसकी बारे में एक स्टोरी बनाने के लिए बोलते हैं कि इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, कि उससे उनको क्या मिल जाता है, कि इसका सोशल वर्ल्ड कैसा है इस पर्सन का, इसकी क्या होप्स है, क्या फियर्स है, क्या इंटरेस्ट है, क्या गोल्स हैं, ये उनको पार्टिसिपेंट्स की पता लग जाता है जिस तरह की वो स्टोरी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। देन द स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट ये किस चीज़ में हेल्प करता है, टू लोअर अ पर्सनस रेसिस्टेंट डाइवल्जिंग अनकॉन्शियस पर्सनल डिटेल्स को रिवील करने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज बाय क्लिनिकल सेटिंग्स टू इवेल्युएट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि जिस तरह की पिक्चर को देखकर वो जिस तरह की स्टोरी बनाता है उससे उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाती है कि ये किस टाइप का पर्सन है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन काउंसलिंग सेटिंग्स टू हेल्प क्लाइंट्स गिवन टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्स एंड अचीव पर्सनल ग्रोथ। देन सेकेंड थर्ड इज रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। इट वॉज डिवलप्ड बाय जूलियन रॉटर इन 1950। इस टेस्ट में 40 इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं और लोगों को उन सेंटेंस को कम्प्लीट करने के लिए बोला जाता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और उसका एवरेज टाइम उनको 20 मिनट्स दिया जाता है, और रिस्पॉन्स उनको ज़्यादा बड़े नहीं देने होते हैं, जैसे कि वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। और इसका यूज़ किस में लेते हैं, इट इज़ यूज्ड इन करियर काउंसलिंग एंड ऑल्सो यूज्ड इन स्क्रीनिंग कॉलेज स्टूडेंट। अब हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है। पहले के वीडियो में हमने साइकोअनालिटिकल थियरी और ट्रेट एंड टाइप थियरीज को डिस्कस करा था, और अब सेकेंड वाले पार्ट में हमने असेसमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस कर लिया है। लेकिन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रीवियस वीडियो में जाकर ट्रेट एंड टाइप थियरीज को अच्छे से नहीं पढ़ोगे। सो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।